हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट डाउट सीरीज में एक क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर से, जो कि आईआईटी जेई 2011 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई नॉट एक्स कैप, और इसमें आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर। तो देखिए, इसमें जो फिगर है ये आपका ये वाला फिगर है, जो आपको एक प्लेट लग रही है यहाँ पर। तो इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें फाइंड करना है ड्यू टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसी का एक अल्टरनेट फिगर मैंने यहाँ पर आपको साइड में बनाया हुआ है। अगर आप मान लीजिए, देखो ये हमारा ए जीरो ए और ये a, a है कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसको मान लीजिए इस तरह से बनाता हूँ, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा सरफेस जो कि डायगनली जा रहा होगा किसी क्यूब से। ठीक है, वैसे आपको ये फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ई डॉट जो भी सरफेस एरिया हो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और जो आपको फाइंड करना है उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो इसमें मैं आपको ई डॉट ए फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करते वक्त, वो ये है कि अगर आपको कोई एरिया निकालना हो, एरिया वेक्टर, मतलब कि आपको एरिया वेक्टर निकालना है, तो आप ऐसे करते हैं कि उसकी जो भी दो गिवन साइड है, मान लो इधर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो ए वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, वो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इस तरह से हम एरिया निकालते हैं, और आपको बेसिक वेक्टर इसमें पता होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको इसको दो तरीके से सोल्व करवाऊंगा, जो भी आपको तरीका इजी लगे, जो भी आपको समझ में आए, आप उससे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया। अब इसमें मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कोस थीटा। तो आपको पता होगा कि जो ये थीटा होता है, ये एंगल होता है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ठीक है, अगर मैं ये वाला सरफेस कंसिडर कर रहा हूं तो इसका एरिया कितना आएगा पहले वो देखते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका एरिया, मान लीजिए ये साइड को मैं ए ले लेता हूँ और इसको साइड को बी ले लेता हूँ, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, वैसे इसको एरिया तो हमने ए डैश से डिनोट किया हुआ है, चलिए मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, मैं इसको डी मान के चलता हूँ। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, डी बी इंटू डी। ठीक है, और बी बी की लेंथ कितनी है, रूट टू इंटू में ए, और जो डी की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ प्लेट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट टू इंटू में ए का स्क्वायर। अब थीटा कितना लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू हमें रखनी है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बाहर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो एरिया वेक्टर होगा, देखो ये जो साइड है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी किससे, ये जो इसका बेस है। ठीक है, इस बेस से अपना जो शेडेड रीजन है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो डायगनल होता है वो हमेशा किस एंगल पर होता है, 45 पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिगर में एरिया वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, मैं इसको थोड़े अलग मार्कर से डिनोट कर देता हूँ। इस प्लेट का एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा ई नॉट रूट टू ए का स्क्वायर। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ई इंटू में साइड का स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। ये आपका फर्स्ट तरीका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो नेक्स्ट मेथड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट मेथड करने के लिए फॉर्मूला वही है अपने पास, ई इंटू में एरिया।
ई डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अच्छा एक्स कैप को मैं आई कैप लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात वही है। इनटू में ये तो हमारे हो गया इलेक्ट्रिक वेक्टर ई नॉट आई कैप। अब एरिया वेक्टर निकालते हैं इसमें पहले। तो एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाए, देखो मान के चलते कि एक साइड तो हमारी ये हो गई, मैं इसको ओ मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर इसका जो एरिया होगा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया बराबर होगा ओ बी वेक्टर मल्टीप्लाई में सी बी वेक्टर, ठीक है। इसकी जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो ऐसे हम एरिया वेक्टर निकालने के लिए एल ए क्रॉस बी कर देंगे, या फिर यहाँ पर ओ बी क्रॉस बी सी या सी बी कर देंगे, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ बी की लेंथ कितनी होगी, तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, 0 माइनस 0 तो कुछ नहीं आएगा, ए माइनस 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए जे कैप, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में, फिर 0 माइनस 0 भी कुछ नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका ओ बी का वेक्टर। क्रॉस सी बी वेक्टर कितना होगा, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो एक्स है यहाँ पर ए और यहाँ पर 0, तो ए माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा ए, और डायरेक्शन आई कैप। फिर वाई वाला देखो, तो वाई मतलब ए, यहाँ पर भी ए, तो वो कितना आ जाएगा 0 जे कैप, प्लस यहाँ पर जेड एक्सिस में है ए और यहाँ पर कितना है 0, मैं कोऑर्डिनेट डिफरेंस लेकर के साइड निकाल रहा हूँ, तो ए माइनस 0 तो कितना बचेगा ए, और डायरेक्शन जे कैप। तो ये आ गई हमारी साइड सी बी, ठीक है। हमें एरिया निकालना तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें, तो देखिए जे क्रॉस आई, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाता है, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें करना है जे क्रॉस आई, तो हम ऐसे जाएंगे, तो अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये माइनस के कैप, तो ए इंटू ए कितना आएगा, ए का स्क्वायर, और जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा माइनस के कैप। ये तो आपको इसका तो 0 ही आएगा, 0 है यहाँ पर। अब जे वाले की, जे वाले में कितनी मल्टीप्लाई आएगी वो करके देख लेते हैं। तो देखो जब आप, एक मिनट, यहाँ पर ये के कैप है, हमने जड़ के लिए करा था, तो के कैप, तो जे क्रॉस के कितना आएगा, जे क्रॉस के आ जाएगा आई कैप, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस के ए का स्क्वायर आई कैप, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसका एक तीसरा मेथड भी मैं बता सकता हूँ, बट आई थिंक ये वाला प्रॉपर होगा, उसमें बस मैं एंगल लेकर के करूंगा, तो दो मेथड से ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ए स्क्वायर मैंने बाहर लिया, माइनस के कैप प्लस के आई कैप, तो ये आपका आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर को यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में नहीं, जो भी उसका पूरा वेक्टर है वो लिख देते हैं, माइनस के प्लस आई कैप। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई है, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड एक साथ ई नॉट ए का स्क्वायर। अब आई का डॉट प्रोडक्ट जब आप के साथ करोगे तो आई डॉट के कितना होता है, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएंगे यहाँ पर, कोस 90 0 होता है, तो इसकी वजह से तो 0 आएगा। प्लस जब आप आई की आई में मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट आई करोगे, तो कितना आता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, ई नॉट ए का स्क्वायर। तो अभी भी वही आंसर आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, जोन सा तरीका आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको इजी लग रहा है और जिसमें आपका टाइम सेव हो रहा है, आप उस मेथड को चूज करिए। ओके, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। आपको बता दूं कि मैं स्टूडेंट की डाउट सीरीज चलवाता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ स्टूडेंट के डाउट क्लियर करता हूँ, तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे अपना जो भी डाउट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, विद इन 24 आवर मैं आपका सॉल्यूशन करके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।